आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रीजनिंग के चैप्टर वाइज जो है ऑल टाइप्स प्रश्न को लेकर आए हैं, और आज से हम जो एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जहां पर आपके जो है 10 के दम सही चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आपको जो है चैप्टर वाइज जितने भी आपके टाइप के प्रश्न होते हैं वो सभी चीजें आपको कराए जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। अभी हम जो है आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो ये आपका रीजनिंग का चैप्टर 1 है, जिसमें हम सभी लोग आपके जो है मतलब एनालॉगी और सिमिलरिटी, यानी कहने का मतलब है सादृश्यता और सम संबंध से रिलेटेड जो है जितने भी तरह के प्रश्न है, यानी कहने का मतलब है ऑल टाइप क्वेश्चन, जितने भी तरह के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी चीज करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आप सभी लोग रेडी है, चलते हैं प्रश्नों के ऊपर, किस तरह के जो है इस चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो चैप्टर है इससे आपको एग्जाम में एक से लेकर 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है, और यह जो क्लास है आपके डीएलएड और आपके जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 24 के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी रहने वाला है। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो है टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1 की बात करने वाले हैं जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रश्न में जो है शब्द का जो है एक जोड़ा दिया जाएगा, उसके नीचे जो है शब्दों के 4 अन्य जोड़े दिए गए होंगे, और आपको जो है उसमें से उन जोड़ों में से जो है चुनना है जो ऊपर वाले जोड़े जैसा संबंध रखता हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिख दिया हमने राम, समझ गए, हमने यहाँ पर लिखा राम, तो राम का संबंध जो है किससे है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा लड़का, समझ गए, और फिर ऐसे डैश देकर लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा खाली स्थान और यहाँ पर लिखा रहेगा यहाँ पर लड़की, यहाँ पर लिखा होगा लड़की, ये हो गया। और इस तरह के जो है नीचे आपको प्रश्न उत्तर दिया रहेगा, 2-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इस तरह करके यहाँ पर रहेगा सीता, यहाँ पर रहेगा मोहन, यहाँ पर रहेगा पापा, और यहाँ पर मान लीजिए कि दादा, इस तरह का। तो जैसे कि आपको ये प्रश्न देख रहे हैं कि ये राम है, राम संबंध कर रहा है किससे, राम एक लड़का का नाम है तो लड़का से, तो यहाँ पर है लड़की तो लड़की का संबंध किससे हो रहा है, यहाँ पर है आपका सीता, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह का जो है ये टाइप 1 का आपका प्रश्न रहता है, इसमें हम करते हैं प्रश्न, आपको समझ में आएगा। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है आपके क्लासेस के लिए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सपोर्ट करें। ओके, चलते हैं प्रश्न के ऊपर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया, पहला प्रश्न यहाँ पर है पटरी और यहाँ पर है आपका रेलगाड़ी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, और आपको जो है इससे संबंधित आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिएगा पटरी और रेलगाड़ी, तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जो ये रेलगाड़ी है ना ये किस पर चलती है, ये जो है आपका पटरी पर चलता है, उसी तरह हमें ढूंढना है। तो पेट्रोल और यहाँ पर कार, तो कार किस पर चलता है, पेट्रोल पर चलता है, नहीं सड़क पर चलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर है आपका साइकिल, साइकिल किस पर चलता है, पहिया पर चलता है, नहीं ये भी जो है आपका सड़क पर चलता है, नहीं तो आपका रोड पर चलता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, यहाँ पर आपका है ट्रक और यहाँ पर देखिए क्या है सड़क, तो ये बात सही लग रहा है, ट्रक कहाँ चलता है, जिस प्रकार रेलगाड़ी जो है आपका पटरी पर चलता है ठीक उसी प्रकार ट्रक जो है आपका सड़क पर चलता है, तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा भगवान, भगवान किस पर चलते हैं, यह तो भगवान अपनी शक्ति पर चलते हैं, तो ये तो मंदिर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, समझ गए। ये टाइप 1 का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है दूसरा नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर ये दूसरा नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपका है झील और यहाँ पर है पानी, तो बताइएगा झील में क्या होता है। देखिएगा ये झील का संबंध जो किससे है, पानी से है, हम सभी लोगों को पता है कि झील में क्या रहता है, पानी रहता है। अब यहाँ ऑप्शन देखिएगा, बर्फ में क्या रहता है, ठंडा रहता है, नहीं बर्फ में भी तो पानी रहता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिएगा समुद्र में क्या रहता है, जहाज रहता है, नहीं समुद्र में भी जो है
पानी रहता है, खरा पानी बोलिए या पानी बोलिए, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिएगा, बोतल में क्या होता है, ढक्कन होता है, नहीं बोतल में हम लोग क्या रखते हैं, उसमें भी हम लोग पानी रखते हैं, तेल रखते हैं या किसी तरह के जो है द्रव पदार्थ रखते हैं, तो ये तो ढक्कन होगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बचा हमारा एक, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, अब देखिएगा, स्कूल, स्कूल में क्या रहते हैं, तो बच्चे रहते हैं। जिस प्रकार आपके जो है झील में पानी रहता है, उसी प्रकार स्कूल में बच्चे रहते हैं। क्लियर है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्लियर है, प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 3रा नंबर आ गया और इसको उसी तरह पकड़ना है, ये आपका टाइप 1 का ही है। 1 मिनट जी, बताइए क्या होगा। ये 3रा नंबर प्रश्न है और यहाँ देखिएगा, वस्तु का संबंध जो है परछाई से है, ये वस्तु का संबंध जो है किससे है, परछाई से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझ गए। उसी प्रकार आपको यहाँ बताना है, जिस प्रकार जो है शब्द का संबंध जो है किससे होगा, आपको बताना है, वस्तु का परछाई से है तो शब्द का किससे होगा, बताइएगा। यहाँ पर पुस्तक से होगा, अर्थ से होगा, यहाँ पर भाषा से होगा या व्याकरण से होगा। ध्यान देने की बात है, वस्तु का उसकी परछाई से है, यानी कि अगर वस्तु है तो उसकी संबंध जो है परछाई से है, कि कोई वस्तु है तो उसका परछाई है, लेकिन शब्द का जो है किससे होगा, शब्द का संबंध किताब से हो, किताब से होगा, नहीं ना, गलत हो गया। अर्थ से होगा, व्याकरण से होगा कि भाषा से होगा, भाषा से भी नहीं होगा, व्याकरण से नहीं होगा, व्याकरण से भी आपका नहीं होगा। सही अगर समझा जाए तो शब्द का जो आपका संबंध होता है ना, वो आपका अर्थ से होता है। अगर हम कोई शब्द यहाँ लिख रहे ना, उसे कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर आपका 4था नंबर है, ये देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, इसको समझिएगा। ये 4 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि जिस प्रकार न्यायालय का संबंध जो है किससे है, न्याय से है, उसी प्रकार जो है स्कूल का संबंध जो है किससे है, आपको बताना है, शिक्षक से है, शिक्षा से है, या छात्र से है, या पर कक्षा से है। देखिए आपको ये बात समझ में आ गया कि जो यहां हमारा न्यायालय है, यहां पर देखिएगा, 1 मिनट, न्यायालय में जो होता है कोर्ट में क्या मिलता है, हम सभी लोगों को जो है न्याय मिलता है, तो यहां पर पूछा है क्या, स्कूल पूछा है, तो स्कूल में क्या मिलता है, आप सभी लोगों को पता है, स्कूल में हमें जो है क्या मिलता है, तो शिक्षा मिलता है, क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रश्न का उत्तर आपका 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि न्यायालय में हमें क्या मिलता है, तो न्याय मिलता है, उसी प्रकार हमें विद्यालय में क्या मिलेगा, तो विद्यालय में हमें जो है शिक्षा मिलेगा। क्लियर है ये प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, 1 मिनट, अगला प्रश्न यहां ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहां पर आपका 5 नंबर, ये देखिएगा, ये 5 नंबर प्रश्न आपका क्या बोलना, देखिएगा, माह का संबंध जो है किससे है, दिन से है। देखिएगा कि महीना क्या होता है, दिनों के मतलब कि जोड़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा बहुत सारे दिन मिलकर महीना बनते हैं। अभी बताइए घंटा का संबंध जो है किससे होगा, बताना है आपको, घड़ी से होगा, नहीं, वर्ष से होगा, नहीं, वर्ष का संबंध जो है आपका माह से होगा, समझ गए, क्लियर है। घड़ी का संबंध आपका घंटा से नहीं होगा, घड़ी का संबंध घंटा से, सुई से हो सकता है, समय होगा, घंटा का समय से होगा, नहीं, घड़ी का संबंध आपका समय से होगा, घड़ी का आपका समय से होगा, याद रखिएगा, समय का आपका जो है घड़ी से हो सकता है, समझ गए, या समय का घड़ी से हो सकता है, ये भी गलत है, लेकिन समझ गए, ये गलत है। यहाँ पर एक ही आपका बच रहा है मिनट, यानी कहने का मतलब है, देखिएगा, जिस प्रकार जो है आपके माह का संबंध दिन से, यानी बहुत सारा दिन मिलकर महीना बनता है, उसी प्रकार जो है बहुत सारा मिनट मिलकर जो है घंटा बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। बाकी हमने बताया वर्ष का संबंध आपका माह से है, और यहाँ पर हमने बताया घड़ी का संबंध आपका समय से है। क्लियर है ये प्रश्न, ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, जी जी 1 मिनट, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, 6 नंबर, ये 6 नंबर प्रश्न आपका है, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे जो है पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर ये प्रश्न आपका बोला गया है कि मक्खन का संबंध जो है किससे है, दूध से। हम सभी लोग जानते हैं कि दूध से हमें क्या प्राप्त होता है, मक्खन बनाते हैं, समझिए। उसी प्रकार आपको बताना है तेल का संबंध जो है किससे होगा। अब बताइएगा तेल हमें किससे मिलता है, आटा मिल से तेल मिलता है, नहीं ना, ये तो गलत हो जाएगा। बीज से तेल मिलता है, हाँ बीज से मिलता है। अनाज से तेल मिलता है, नहीं अनाज से ही नहीं,
मिलता है बट अनाज से ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि हमें तेल जो मिलता है ना वो हमें बीज से मिलता है। किस चीज से मिलता है? हमें बीज से मिलता है, ये साबुन गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दो हो जाएगा कि हमें जो है दूध से मक्खन मिलता है, तो उसी प्रकार बीज से हमें तेल मिलता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या यहां पर आपका 7 नंबर, प्रश्न संख्या 7 है और यह बोल रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से आपको उसी तरह संबंधित है जो कि दूसरा शब्द से पहले शब्द वाला है, मतलब वो आपका टाइप 1 ही अभी चल रहा है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर हॉकी है, हॉकी का संबंध क्या है? मैदान, यानी कि हॉकी हम लोग कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। उसी तरह वो बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं बताइए? बैडमिंटन हम लोग जो है कहाँ खेलते हैं? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, पीच पर खेलते हैं, पीच पर तो क्रिकेट खेलते हैं, कोर्ट में खेलते हैं, क्यों कोर्ट में खेलते हैं, अखाड़ा में तो हम पहलवानी करते हैं, स्टेडियम में हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ये भी गलत है। यहाँ पर हमारा बच गया ऑप्शन नंबर दो, यानी कि बैडमिंटन का संबंध जो है आपके किससे है? हम लोग बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं? तो हम लोग जो है कोर्ट में खेलते हैं। क्लियर ना? कोर्ट में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर दो इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 1 नंबर है, ध्यानपूर्वक देखिएगा ये प्रश्न को। ये प्रश्न संख्या आपका 1 नंबर है और ये बोल रहा है कि दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर आपको अनुपस्थिति शब्द चुनना है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो है एक आपको जो है क्या दिख रहा है? आदमी दिख रहा है, आदमी, समझ गए? तो आदमी का संबंध जो है किससे है? औरत से। और ये क्या दिख रहा है? तो ये जो है आपका यहाँ पर लड़का दिख रहा है, तो लड़का का संबंध किससे होना चाहिए? लड़का का संबंध जो है आपका लड़की से होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिएगा चाची, औरत, ये सब तो गलत है, चाचा ये होंगे नहीं। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिख रहा है 4 नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हो जाएगा आपका लड़की। क्लियर है? ये प्रश्न देखिएगा, इस तरह के एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं और ये हमारा जो है एनालॉगी और सम संबंध का जो है टाइप 1 है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है जी? ऑप्शन आपका ये 4 हो जाएगा। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना जी? आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोग बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आप लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, समझ रहे? चलिए अगला यहाँ पर आपका 9 नंबर प्रश्न है, दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर आपके अनुपस्थित शब्द चुनना है। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है आपका? यहाँ पर आपका ये कुत्ता है, ये क्या है? ये कुत्ता है। कुत्ता का संबंध किससे है? कुत्ता घर से है, यानी कुत्ता कहाँ रहता है? तो कुत्ता घर में रहता है। यह आपका बाघ है, या शेर बोलिए या बाघ बोलिए, ये शेर है या बाघ है आपका, समझिए? तो यहाँ पर इसका संबंध बताना है कि ये जो है इसका घर क्या होता है। तो ये घर इसका क्या होता है? ये तो आपका गुफा में रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा घोंसला, ये तो चिड़िया रहती है, पक्षीशाला जहाँ पर पक्षी रहती है, गुफा ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, और झोपड़ी या झोपड़ा ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि ये जो कुत्ता का संबंध कुत्ता घर से है, तो शेर या बाघ का संबंध उसके गुफा से होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी आपका जो है टाइप 1 का ही है। अब ये देखिएगा कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थानांतरण विकल्पों में चुनिए। यानी कि ये देखिएगा, टाइप यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर कीबोर्ड लिखा गया है, यहाँ पर कौन लिखा गया है और इसका संबंध आपको बताना है। जैसे देख लीजिए, हम लोग टाइप करते हैं किसकी मदद से? हम लोग कोई भी अच्छा टाइप करते हैं तो वो किसकी मदद से करते हैं? कीबोर्ड से। या ऐसे बोल सकते हैं, कीबोर्ड का काम क्या है? टाइप करना है। तो कॉल करना किसका काम है बताइएगा? कॉल करना किसका काम है? गिटार का, गिटार के गाने बजाना है, ये तो गलत हो गया। फ्लूट का, ये तो आपका बांसुरी होता है, ये तो होगा नहीं। पियानो का, इससे तो म्यूजिक निकालते हैं, ये भी नहीं होगा। हमारा कॉल किससे होता है? तो टेलीफोन से होता है। कॉल क्या होता है? टेलीफोन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? टेलीफोन का संबंध जो है कॉल से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अब हम जो है टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे। टाइप 1 का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, उसी तरह का आपका टाइप 1 से पूछता है और एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये केवल डीएलएड बीएड नहीं, बाकी आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए भी जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, समझ गए? टाइप 2 की हम बात करेंगे। यहाँ पर टाइप 2 में देखिएगा कि कौन सा विकल्प जो है समूह में नीचे दिए गए संख्या समूह के साथ जो है समान गुण प्रदर्शित करता है, समझ गए? इसकी हम बात करेंगे। टाइप 1 है, अब हम टाइप 2 के प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए टाइप 2 में क्या होगा ना कि इसमें आपके जो है वर्ड आएगा, इसमें आपका जो है वर्ड आ सकता है, वर्ड से रिलेटेड आपके आएंगे, फिर आपके जो है इसमें आपके नंबर से रिलेटेड आएंगे, इसमें आपके जो है ऑड पूछ जाएंगे, इसमें आपके जोर घटाव गुणा सब कुछ आ जाएंगे। धीरे धीरे प्रश्न करेंगे, समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो ये देखिएगा आपका पहला प्रश्न आ गया, यानी कहने का मतलब है कि आपका प्रश्न संख्या 11 है और ये आपका टाइप 2 का है। ये क्या है आपका टाइप 2 का प्रश्न है। यहाँ देखिएगा एवं चुने जिसकी संख्या दिए गए एवं की भांति आपस में संबंधित है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर है आपका 19 और 19 का संबंध किससे है तो 361 से है। अब यहाँ पर आपको ढूंढ कर लाना है कि जिस प्रकार यह संबंध है उसी में से ये चारों में से आपको ढूंढना है, समझ गए। तो सबसे पहले हमें जो है इस चीज को पकड़ना पड़ेगा कि आखिर ये चीज लिखा गया क्यों लिखा गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है 19 लिखा गया है और 19 का क्या किया गया है 361 लिखा गया है। तो याद रखिएगा आप लोगों ने स्क्वायर देखिएगा इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं ना तो इसमें तीन चीज याद रखिएगा, समझ गए। सबसे पहले जो है इसका आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा कि स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, दूसरा आप लोग क्यूब कर लीजिएगा और तीसरा जो होगा आपका जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये जो है आप लोग कर लीजिएगा। ये चारों करिएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, ये ही तीन चार जो है इसमें ट्रिक लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम आप 19 को स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 आता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या किया गया है कि 19 का स्क्वायर किया है तो हमारा 361 आ गया है, समझ गया। उसी प्रकार देखना है 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 159 आएगा, 69 आएगा, ये बात सही लग रहा है। 15 का तो 225 होता है, 235 दिया है, ये तो गलत हो गया। 12 का हमारा 144 होता है, 154 दिया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 9 का है तो 9 का 81 होता है, ये भी हमारा गलत हो गया, समझ गए। तो बच्चा हमारा ये कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर 169 आ जाएगा, समझ गए 169। तो हम यहाँ लिखेंगे 13 और इसका संबंध किससे हो रहा है तो 169 से हो रहा है, तो यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, यानी ऑप्शन ए हो रहा है। लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये कहा दिया है 3 नंबर में दिया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समझ गए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ये बातें समझ में आ गया, ये आपका टाइप 2 का प्रश्न है जहां पर नंबर होगा आपके अल्फाबेट होंगे इस तरह के पूछेंगे, उसमें आपके जो है केवल लैंग्वेज पूछते थे कि यह संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि नंबर सीरीज आपके जो है अल्फाबेट हो जाएंगे, ये सभी जो है टाइप 2 में आपके पूछेंगे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यह देखिएगा अब ये बात कीजिएगा, ये प्रश्न आपका जो है 12 नंबर है, कौन सी संख्या जो है नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या लिखा गया है 9 है, 9 का संबंध किससे है 36 से, और यहाँ पर लिखा है 11, अब 11 का संबंध आपको बताना है किससे होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा 41 है, फिर यहाँ पर आपका है 44 है, फिर यहाँ पर 43 है, और फिर यहाँ पर आपका 42 है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो आपका 9 का संबंध 36 से है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर 9 है और इसका संबंध 36 से है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 9 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये एक तरीका लग रहा है, बाकी हम देख रहे हैं तो कुछ है नहीं, या 9 से अगर हम 36 को काटेंगे तो 4 हमें कट जा रहा है, ये भी तरीका हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 से जो है यहाँ पर क्या काटेंगे 4 आ जाएगा, यानी 11 में कितना 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ 4 से गुणा किया गया तो हम भी यहाँ पर 11 में क्या करेंगे कि 4 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 44 आ जाएगा। ऑप्शन में आपको दिखेगा 44 ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 44 हो जाएगा, क्लियर है। बाकी आपका ये सब गलत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो है आपका करेक्ट है, क्लियर है ये प्रश्न। ये टाइप 2 का आपका जो है दूसरा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा और आप सभी लोगों से निवेदन है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है मुझे, समझ गए जी। ये प्रश्न संख्या 13 है, देखिएगा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका है 64, 64 का संबंध जो है किससे है, यहाँ पर आपका है 216 से, फिर यहाँ है आपका 512, अब बताना है कि 512 का संबंध किससे होगा। और यहाँ पर देखिएगा लापता शब्द का पता लगाए, यहाँ पर है 1331, 700, 729 और 1000। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अभी हमने इसको बताया नहीं कैसे बनाना है, इसमें हमें तीन चीज पकड़ना है। सबसे पहले अगर हमें स्क्वायर देखना है, दूसरा हमें जो है क्यूब देखना है, तीसरा हमें गुणा भाग जोड़ घटाओ ये देखना है। ये तीन चीज से जो है हम इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 64 है तो 64 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, बात सही है। 216 किसका स्क्वायर होता है बताइए, तो 216 15 या 16 225 14 जी, तो यहाँ पर स्क्वायर शायद नहीं हो रहा है, 512 किसी का नहीं होता है तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लग रहा है, समझ गए। अब हम यहाँ क्यूब करके देखेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जो है 4 का क्यूब करते हैं, कितना करते हैं 4 का क्यूब करते हैं, देखिएगा अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 4 × 4 तो 4 × 16 और 16 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 4 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब होता है बताइए, तो 6 का क्यूब करके देखिए, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 × 6 × 6 = 36 और 36 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 × 3 = 21 यानी कि 216, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्यूब हो रहा है। अब किसका हो रहा है ये देखिएगा, अभी हमने किया तो ये देखिएगा ये 4 का क्यूब है आपका और ये आपका 6 का क्यूब है,
यानी कि 2 का गैप है। अब ये 512 किसका क्यूब है पता कीजिए, 512 जो है किसका क्यूब है पता कीजिएगा, तो 6 का क्यूब इतना 216 आ रहा है, 7 का 8 का हो जाएगा, 8 का क्यूब करके देखिए, 8 का क्यूब कीजिएगा तो 8 का क्यूब क्या होता है 8 × 8 × 8 अठी 64 गुणे आपका 8 और 4 32 2 और 8 48 और 48 में जो है आप 3 2 जोड़िएगा तो 51 यानी 512 यानी कि ये जो है आपका 8 का क्यूब है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 का क्यूब 6 का क्यूब यानी 2 का गैप है, तो हम यहाँ की 2 का गैप करेंगे, 8 के बाद 10 आता है, हम 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब करने का मतलब है 10 × 10 × 10 यानी 30 यानी कि ये क्लिक कर 30 दे देंगे यानी कि हमारा 1000 हो जाएगा और यही हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है, समझ गए, यानी कि 4 का क्यूब ये 6 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, ये 10 का क्यूब, क्लियर है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आपको ध्यान देना है क्यूब का देखना है, स्क्वायर देखना है और तब जाकर जो घटा होना देखना है, इस तरह के प्रश्नों में ज्यादातर यही आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका टाइप 2 का प्रश्न नंबर 3, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 14 है। अब ये देखिएगा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है तीसरी संख्या के साथ जो है वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहला संख्या से संबंध है, यानी कि यहाँ पर आपका 21 है और यहाँ पर आपका 11 है, उसी प्रकार आपको बताना है कि 31 का किससे संबंध होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर किसी का स्क्वायर तो है नहीं, क्यूब तो है नहीं, अब हम जोड़ घटा गुणा का काम करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है आपका 21 है, 21 यहाँ पर है और कितना यहाँ लिखा 11, हम घटाते हैं तो यहाँ 0 और 10, यहाँ 10 घटा दिया गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि देखेंगे कि 10 घटा दिया, 31 में से हम 10 घटाते हैं यानी कि यहाँ पर 10 का अंतर दिख रहा है, तो 31 में अगर हम 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन में आपको 21 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी कि ये घटाव का काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ गए। अब जोड़ कर देखिएगा, यहाँ पर आपका 11 है, 11 है, 11 में कितना जुड़ा है, तो 11 में यहाँ पर जो है आपका 10 जुड़ा है तो आपका 21 हो गया है। तो बताइएगा यहाँ पर 31 है, कितना जोड़ेंगे तो 10, तो 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 लेंगे, तो 21 ऑप्शन में है नहीं। अब हम यहाँ ध्यान देंगे 21 का दुगुना करेंगे, अब दुगुना भी करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 11 है, 11 का अगर हम दुगुना करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 का 11 से 2, 11 में 2 से गुणा करते हैं इसमें, तो 11 गुना 22 होता है और 22 में हमने 1 घटा दिया तो कितना आएगा 21 आ गया, ये एक तरीका है। अब उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, कितना करेंगे 16 आएगा, 16 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका 16 आना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 17 करते तो 34 होता है, 15 करते 30 होता है, तो यहाँ पर तो घटाया है तो हम भी वहां घटाए हैं, तो ये हमारा गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट है। कहने का मतलब है कि जब हमने 11 में 2 से गुणा किया तो 11 का दुगुना करेंगे तो 22 हो जाएगा और माइनस हमने 1 कर दिया तो हमारा 21 आ गया। उसी प्रकार हमने जो है यहाँ पर 16 में क्या किया कि दुगुना किया, 16 का दुगुना किया तो 32 हो गया और 32 में हमने 1 घटाया तो हमारा 31 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस तरह का भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछते हैं, समझ गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत किसी को नहीं ना होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा टाइप 3 आ गया, अभी हमने जो है टाइप 2 को कंप्लीट किया, उस तरह के प्रश्न आपसे पूछेंगे। अब हम यहाँ पर जो है टाइप 3 की बात करेंगे। अब यहाँ देखिएगा टाइप 3 में क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा नीचे दिए गए संख्या समूह के समान 4 विकल्पों में वही विकल्प छांटिए जो दिया हुआ संख्या का समूह, यानी कहने का मतलब है ये आपका जो है टाइप क्या है 3 है, 3 का आपका पहला प्रश्न। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक जो है संख्या दे दिया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपका जो है एक संख्या जो है दिया गया है। अब इस संख्या को जो है कैसे कीजिएगा कि आपका नीचे वाला संख्या उसी क्रिटेरिया में आपको मिलेगा, तो हम इसमें भी वही करेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग, नहीं तो आपका ये नहीं तो स्क्वायर और क्यूब करेंगे, समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 84 है, 84 में कितना जोड़ा है कि यहाँ पर 92 हो गया है तो घटा लीजिए, 6 जोड़ेंगे तो 90 और 2, यानी कि यहाँ पर आपका प्लस जो है 8 किया गया है, समझ गए, 68 हो गया, 8 × 12 जो 92 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 92 में कितना जोड़ेंगे कि 109 हो जाएगा, ये तरीका देख लीजिए, ये तरीका। तो देखिएगा हम 109 से घटा दीजिए 92 को तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 9 7 हो गया, 10 एक में 9 17, यानी कि यहाँ पर 17 जोड़ा गया है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 8 और 17 को जोड़ा गया है, तो हमें देखना है इसमें कि कहीं मिल रहा है क्या। अब देखिएगा 9 में कितना जोड़ेंगे कि 17 हो जाएगा, तो 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 9 8 17 बात सही है, 8 जोड़ा। अब 17 में कितना जोड़ेंगे, 17 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 है और 17 जोड़ेंगे तो 34 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 36 हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है 36 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। दूसरा देखिएगा 34 में अगर हम यहाँ पर कितना 8 जोड़ते हैं, 8 × 12 यानी ठीक है 42 हो गया, 42 में 17 जोड़ रहे हैं क्या, 17 जोड़िए तो 7 × 9 और
4.5, ये तो बात सही लग रहा है, ये स्त्री धारणा मिल गया। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पर 8 जोड़ते हैं तो 8 × 3 = 11 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम 17 जोड़ते हैं तो 7 × 8 = 8 होना चाहिए, तो यहाँ 9 हो गया, तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ देखिएगा 7 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 8 × 7 कितना होता है, 8 × 7 = 15 होता है, तो यहाँ 16 है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, यानी बचा हमारा 1 नंबर ऑप्शन 2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, यानी कि पहला 8 जोड़े, दूसरा हमने 17 जोड़ा, इसी प्रकार हमने यहाँ 8 जोड़ा और हमने यहाँ पर 17 जोड़ा, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा उसी तरह का है, ये आपका टाइप 3 का है, दिए गए समुच्चय आपका ये दिया गया है। समझ गए, अब यहाँ देखिएगा कि सर्वाधिक सदृश समुच्चय का चयन निकाल करें। अब इस तरह के प्रश्न आए हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, स्क्वायर, क्यूब, जोड़ घटाव, गुणा, भाग, और एक और आपको याद रखिएगा सम और विषम संख्या। समझ गए, और भाज्य और अभाज्य संख्या, उस तरह का भी प्रश्न पूछता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर आपका क्या है 23 है, और यहाँ पर आपका 29 है, और यहाँ पर आपका जो है क्या है यहाँ पर 31 है, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, ये तीनों आपका जो है अभाज्य संख्या है, क्या है आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जो जो है केवल अपने आप से, यानी कि केवल जो है वन से और खुद से कटे, क्या करें कि खुद से कटे। यहाँ ध्यान दीजिएगा 23 जो है, 29 है, 31 है, ये सभी जो है एक से कटता है और अपने आप से कटता है। अब हमें उसी में देखना है। अब यहाँ देखिएगा 17, फिर यहाँ पर 21, तो 21 को तीनों से कटता है, 7 से कटता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा 31 यहाँ पर है, 37 है, 49 है, तो 7 से 49 कटता है, ये भी नहीं होगा। समझ गए, 13 है, 15 है, 15 भी कटता है आपका, ये तो होगा नहीं, तो आपका भाज्य संख्या है। यहाँ देखिएगा 41 है, 43 है और 47 है, यह देखिएगा 47 किसी से कटता है क्या, नहीं ना कटता है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। ये तीनों जो संख्या यहाँ दिया गया है ये क्या है आपका अभाज्य है, यानी कि यह केवल जो है अपने आप से कटता है और एक से कटता है। समझ गए, तो यही हमारे आंसर रहेगा, जिस प्रकार ऊपर है उस प्रकार नीचे है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का आपका सही हो जाएगा 16 का। समझ गए, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। समझ में आ गया ना, इसी तरह आपको समझना है। अब ये देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 17 नंबर है। अब बताना है कि उस युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान जो है संबंध को दर्शाता है। समझिए, उस युग्म को चुनना है जो कि नीचे दिए गए समान दर्शाता है संदर्भ को। यहाँ देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये आपका कट गया है, यहाँ पर आपको डॉट दे दिया है, यानी कहने का मतलब कि एक सीरीज ये है और दूसरा सीरीज ये है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 के बाद यहाँ 4 है, 4 के बाद यहाँ 6 है, यानी प्लस 2 किया है, प्लस यहाँ पर 2 किया है। यहाँ देखिएगा 10 के बाद 12 है, यानी प्लस 2 किया है, और 12 के बाद 14 है, यानी प्लस 2 किया है। समझ गए, ये बात समझिए, यानी कि सब जगह 2 का प्लस हुआ है। अब हम ऑप्शन देख लेंगे कि इस तरह का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये देखिएगा 18 में 2 जोड़ा था 20, 20 में 2 जोड़ा था 22, 26 में 2 जोड़ा 28, 28 में 2 जोड़ा 30, पहले वाला ऑप्शन को मिल रहा है, ये सीरीज फॉलो कर रहा है। दूसरा देख ले 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, ये तो होगा नहीं, 14 दिखा है, तो ये होगा नहीं। 31 में 2 जोड़ेंगे 33, 33 में 2 जोड़ेंगे 35, 37 में 2 39, और 39 में जो है आपका यहाँ पर 41, ये भी सीरीज शायद मैच कर रहा है क्या। 31 में हमने यहाँ पर 2 जोड़ा तो कितना हो गया 2 × 1 = 43, 33, 33 में 2 जोड़ा 35। अब यहाँ पर देखिएगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मैच कर रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा यहाँ पर गैपिंग भी तो है, 2, 4, 6 और यहाँ पर 8 का गैपिंग है, यहाँ पर क्या है आपका 8 का जो है गैपिंग है, तो यहाँ पर तो गैपिंग है नहीं, 35 था तो यहाँ पर 2, 37 से गैपिंग होता तब ना वो 38 से स्टार्ट करता, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरी 3 में 2 जोड़ा ये तो होगा नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट है, यानी 17 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। क्यों भाई, देखिएगा 18 + 2 = 20, 20 + 2 = 22, लेकिन यहाँ पर 24 से शुरू नहीं किया, यहाँ 24 नहीं है, यहाँ पर गैपिंग है, यहाँ भी गैपिंग है 8, यहाँ भी 24 का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है, उसके बाद स्टार्ट किया है, और यहाँ पर 2 का गैपिंग नहीं था, 35 के बजाय 37 से, यहाँ पर 37 से गैपिंग होता, समझ गए, और यहाँ पर तब जो है वो 39 से स्टार्ट करता तो सही होता, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, इस प्रश्न का उत्तर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, प्रश्न अब जो है हम टाइप 4 की बात करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है टाइप 4 की बात करेंगे, और इसमें भी जो है आपके भिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इसमें हम देखेंगे इसमें आपके क्या होगा कि आपके जो है अल्फाबेट वाले होंगे, अल्फाबेट यानी कि जो आपके सेंटेंस होते हैं, जो आपके जो है ABCD वाले होते हैं, इस तरह के प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं, सादृश्यता और सम संबंध से रिलेटेड। समझ गए, तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग जरूर बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है, और आप लोग कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में आपके अगर प्रश्न आते हैं तो बाहर नहीं पूछे जाएंगे। समझ गए, यहाँ देखिएगा ये आपका 18 नंबर प्रश्न है, और ये बोला क्या गया है कि लुप्त पद को ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पर आपको जो है लुप्त पद को यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। ध्यान देने की बात है यहाँ पर आपका इसका संबंध इससे है, समझिए, और इसका पूछा है किसका संबंध जो है किससे होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा, और इस तरह के प्रश्न को बनाने से पहले आपको जो है अल्फाबेट सीरीज जो है याद होना चाहिए, ए से लेकर आपका जो है जेड तक का जो है नंबर याद होना चाहिए, अपोजिट और आपके सीक्वेंस दोनों याद होना चाहिए, समझ गए। इजोटी की इसका होता है याद करने का, अगर नहीं याद हो तो आप बीच में याद लिख सकते हैं ई जे ओ टी वाई, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, क्लियर है, ये तरीका है याद करने का, बाकी इसको देख लीजिएगा, समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर लिखा है यू, यू के बाद यहाँ क्या देखिएगा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं यू पी के एफ, उसको लिखा क्या गया है जी एल क्यू और डी, और यहाँ देखिएगा यू के बाद कितना आता है, यू के बाद क्या आता है टी यू डी, तो यू के बाद यहाँ पर डी यहाँ पर आ गया है, पी के बाद क्या आता है क्यू आता है यहाँ पर आ गया है, के बाद एल आता है, और एफ के बाद क्या आता है जी आता है। ये जो यहाँ पे एक मिक्सअप सीरीज वाला क्वेश्चन है, समझ गए, उसी प्रकार हमको उसको करना है, हम यहाँ लिखेंगे एच एम और आर और यहाँ पर भी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका भी के बाद क्या आता है बताइए आप, भी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, भी का मतलब 22 होता है, डब्ल्यू का मतलब 23 होता है, समझ गए, भी के बाद, आर के बाद क्या होगा, आर का मतलब 18, तो पी क्यू आर एस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एस हो जाएगा, एम का मतलब क्या होगा बताइएगा, एम का मतलब तो एम के बाद क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, और एच का मतलब क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एस एन आई, समझ गए, यानी क्रॉसिंग किया गया है, ये आपका एक टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका थ्री हो जाएगा डब्ल्यू एस एन आई, समझ गए, डब्ल्यू एस एन आई ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट है, समझ गए। सादृश्य में आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो इसलिए बना सकते थे, नहीं तो यहाँ पर देख सकते थे ये भी हो सकता था, ये भी ऐसे हो सकता था, यहाँ देखिएगा इस तरह का भी कर सकते थे, तो ये वाला लाइन हमारा जो है कहाँ जाता, ये वाला लाइन हमारा यहाँ आता, ये वाला यहाँ आता, ये वाला यहाँ आता, ये वाला यहाँ आता, इस तरह का भी कर सकते थे, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है 19वां प्रश्न है, ये आपका क्या है 19वां प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिएगा डी और ई का मतलब जो है 10 लिखा गया है, उसी तरह एच और आई का जो है यहाँ पर आपको मतलब बताना है। सबसे पहले तो इसको समझिएगा कि आखिर ये जो डी लिखा है और ये ई लिखा है ये कैसे यहाँ पर 10 हो गया। अब डी का मतलब सभी लोगों को मालूम है कि इसका मतलब 4 होता है, ई का मतलब 5 मालूम है, तो बताइएगा 45 और इसका मतलब यहाँ पर कैसे लिख दिया गया 10, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुणा भाग और जोड़ घटाओ सबका काम आ जाएगा, समझ गए। तो देखिए कैसे बनाया गया, समझिएगा ये प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं, इस तरह के जब प्रश्न आएंगे ना तो इसमें क्या कीजिएगा, आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग सब लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा क्या है डी और यहाँ पर लिखा है ई और इक्वल यहाँ 10 है, कैसे आ गया, अगर हम जोड़ेंगे दोनों को देखिएगा यहाँ पर है 4 और 5 तो 9 आना चाहिए, समझ गए, 4 और 5 9, देखिएगा 4 और ये 5 तो हमारा 9 आ गया, और प्लस हम 1 करते हैं तो हमारा 10 आ गया, एक ही तरीका है, मान लेते हैं 10 आ गया। अब इसको देखिए करते हैं, एच है यहाँ पर और यहाँ पर आई है, तो एच का मतलब 8 होता है, आई का मतलब यहाँ पर क्या होता है 9 होता है, एच का मतलब क्या होता है 8 होता है, आई का मतलब यहाँ पर 9 होता है, तो करके देखिए 8 प्लस 9 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 17 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 18 होगा, यानी समझिए कि हमने दोनों को जोड़कर एक जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या है कहीं पर 18 ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है 18 तो ऑप्शन आ नहीं रहे, समझ गए 18 तो ऑप्शन आ नहीं रहे। अब आप बोलिएगा कि सर 17 आया कैसे आएगा भाई, यहाँ पर 4, 5, 9 करेंगे तो 9 होना चाहिए, तो 10 लिखा है, तो यहाँ पर जोड़ वाला काम नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर घटा वाला भी करेंगे तो भी नहीं होगा, गुना वाला करके देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है डी और ई, डी का मतलब यहाँ पर 4 गुने यहाँ 5 करते हैं तो हमारा कितना आ गया 20 आ गया, 20 का दिया कितना हो गया 10 हो गया, समझ गए ना। अब यहाँ देखिएगा एच और आई है, एच और आई को करेंगे, एच का मतलब 8, आई का मतलब 9, 8 और 9 में गुणा करेंगे तो 8 और 9 कितना होता है बताइएगा 72 होता है क्या, 72 होता है, और 72 का दिया कितना होता है 36 होता है, और यहाँ पर 20 का दिया कितना था 10 हो गया था, यानी दोनों को गुणा करके उसका आधा कर दिया गया था, तो ये देखिएगा ये क्या किया है यहाँ पर कि 4 गुने यहाँ पर 5 किया है, इक्वल यहाँ पर 20 है और 20 का दिया यहाँ पर 10 आ गया है, इसका मतलब होता है 8, 9 का मतलब होता है 9, 8, 9 72 और 72 का दिया करेगा तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है, यही हमारा दोनों को गुणा करके अधिया कर दिया है, यानी 2 से भाग दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझे। चलिए आज के जो है हम इस चैप्टर के जो है अपने अंतिम प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न आपका जो है अंतिम प्रश्न है, टाइप आपका जो है 4 का, समझ गए, इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न अंतिम क्वेश्चन है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थानांतरण विकल्पों में चयन कीजिए, क्या कीजिए कि स्थानांतरित जो आपका विकल्पों में चयन चुनना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आर है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर जेड है, और यहाँ पर आपको खाली स्थान चुनना है। आर का मतलब कितना होता है समझ लीजिएगा, आर का मतलब क्या होता है बताइएगा 18, एच का मतलब आपका 8 होता है, अब यहाँ जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब एक्स वाई जेड, जेड का मतलब आपका 26, अब बताइएगा यहाँ पर देखिएगा क्या किया है,
यहाँ पर आपका क्या गया है 18 है, समझ गए, 88 है, तो 18 में यहाँ पर 8 कैसे हो गया, यहाँ पर माइनस 10 कर दिया है तो यहाँ पर 8 हो गया है। अब यहाँ पर हम जो है माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा, और 16 का मतलब क्या होता है OP, तो यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 है, ये सही है, समझ गए, यानी कि 10 घटा दिया गया है, यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 10 घटाया तो 8 हो गया, ये 26 था, 10 घटाया तो हमारा 16 आ गया, P हो जाएगा, समझ गए। यह जो था आपका चैप्टर 1 सादृश्यता एनालॉगी और समसंबंध से रिलेटेड हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। टोटल हमने जो है इसमें आपका जो है 20 प्रश्न कराया है, हमने 20 प्रश्न कराया है और टाइप 1 से लेकर, समझ गए, टाइप 1 से लेकर आपके जो है टाइप 4 तक कराया है। तो आप सभी लोग जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और क्लास कैसा लगा, प्लीज आप सभी लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोग को, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ओके जी।